सी एस आई आर 2020 के क्वेश्चन जो अभी हाल ही में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को आइए करते हैं। तो सी एस आई आर 2020 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका किसमें पार्ट बी के क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत सारे वे से बना सकते हैं। ए लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ए बराबर 3 2 माइनस का 2 माइनस का 1, फाइंड करना था आपको ए की पावर 20। फाइंड क्या करना है, ए की पावर 20। क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल 3 2 माइनस 2 माइनस 1, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और फाइंड करना है आपको ए की का 20, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता था देखते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो क्या लिखा है, 40 माइनस 40 माइनस 39 है। सेकंड ऑप्शन है 41 है माइनस 40 है, 40 39 है, 41 है, फिर ये भी है, बस माइनस इधर लगा दिया और इधर कहीं भी माइनस नहीं, ठीक है। तो ये ए की पावर 20 करना है। अगर आप इसे नॉर्मली जैसे है ए की पावर 20 निकालने बैठेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, जबकि ये एक मिनट दो मिनट में इजीली बन जाते हैं, ठीक है। इसके दो ट्रिक है, मैं फर्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ। पहला देखिए क्या लिखा है, ए इक्वल है 3 2 माइनस 2 माइनस 1 है। अगर हम इसको इस फॉर्म में तोड़ दें, आइडेंटिटी प्लस, अगर मैं देखिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी प्लस, सेकंड जो बचे हुए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, 1 है 3 में से गया 2, और यहाँ का माइनस का 2 यहाँ का 2 और माइनस 1 लाना है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस 2 बैठा दूँ तो देखिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ रहा है। मैंने आइडेंटिटी और प्लस एक नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो इसको माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 का 2 रहेगा, ये तो सेम आपका यही आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको नया नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है, ये ए है। अब ए की पावर क्या कैलकुलेट करना है आपको, 20। तो ए की पावर 20 जब कैलकुलेट करना है तो ये आइडेंटिटी प्लस बी की पावर 20 लग जाएगा, जो कि बाइनोमियल थ्योरम से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बाइनोमियल अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कम्यूट कर जाएंगे। आइडेंटिटी किसी के भी साथ मैट्रिक्स के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तो इसकी ए की पावर 20 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी प्लस 20C1 बी प्लस 20C2 बी स्क्वायर प्लस लाइक इस तरह से चलते जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या बस कैलकुलेट करना है, बी का स्क्वायर। और बी आपका देखिए बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर बी तो यही है ना, एक मैट्रिक्स जो क्या है 2 है माइनस 2 2 माइनस 2, ये देखिए ऑल एलिमेंट क्या दिख रहे हैं बराबर। इसका मतलब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए आपको क्या दिखाई देगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स करेंगे 2 × 4 और माइनस का 4, मतलब ये 0 आएगा। फिर इसी का सेकंड साथ करोगे तो यहाँ से आपको माइनस 4 मिलेगा और यहाँ से प्लस 4 बन जाएगा, तो ये भी 0, तो ये भी 0, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे 0 आएगा, ये भी सॉल्व करते हैं तो 0 आ रहा है। अब बी स्क्वायर 0 आ गया, मतलब बी क्यूब, फिर बी 3 बी 4 सारे क्या आ जाएंगे, क्योंकि बी स्क्वायर इंटू करोगे तो यहाँ से सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, बी 4 3 बी की पावर 4 एंड सो लाइक, सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे 0 हो गए, तो ला के यहाँ पर अगर हम रख दें इस ऑप्शन में तो क्या मिलने वाला है हमको, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रख दूँ ए की पावर 20 अगर कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 1 0 0 1 है प्लस 20 C1, मतलब 20 बस आता है, और यहाँ पर बी आपका जो मैट्रिक्स है ये वाला 2 माइनस 2 2 माइनस 2 है, बाकी बी स्क्वायर यहाँ से सारे के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ आपकी यही मैट्रिक्स बचने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन से अगर हम थोड़ा सा इसको ऐड करके ऑप्शन देखें तो यहाँ पर इनको आप ऐड करेंगे तो ए की पावर 20 की वैल्यू मिलने वाली है आइडेंटिटी प्लस 40, तो ये आपका 41 हो जाएगा। फिर ये 0 है, 20 का मल्टीप्लाई से होगा तो माइनस का आपका 40 हो जाएगा, फिर यहाँ से 0 और ये आपका 20 × 2 करूँगा तो माइनस का प्लस का 40 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लगा है, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस 40 करेंगे, 1 में माइनस 40 ऐड करते हैं तो ये माइनस का 39 आएगा। जो ऑप्शन से देखें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और एक दूसरा शॉर्टकट ट्रिक है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सेकंड ट्रिक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये हमारे,
बहुत सारे मेथड से बनाए जा सकते हैं। एक मेथड ये भी होता है कि अगर सम ऑफ रो, ये कोई मैट्रिक्स है, इनका सम ऑफ रो करते हैं, कोई नंबर आता है, मान लीजिए के आता है, इसका भी नंबर कितना आता है, के आता है, तो ए की पावर एन निकालते हैं तो मैट्रिक्स का सम की पावर जो आएगा वो क्या आएगा, रो सम कितना आएगा, के की पावर एन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका सम कितना है। तो यहाँ पर देखिए ए जो मैट्रिक्स है आपका 3 - 2 - 2 - 1 है, इनका सम करते हैं तो ये आपका 1 दे रहा है, यहाँ से भी सम दे रहे हैं तो 1 दे रहा है, यानी कि रो सम क्या है, इन सभी का 1 है, तो ए की पावर हमें 20 करना है, तो यानी कि 20 जो भी मैट्रिक्स यहाँ नंबर आएंगे उनका भी सम 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से देखें तो इनका सम करते हैं तो कितना आया था, अभी देखिए 1 की पावर 20 करूँगा तो फाइनली 1 ही आएगा, तो 1 आना चाहिए, सम करो तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 41 + 40 करेंगे, ये 1 से ज़्यादा हो जा रहे हैं हमारे, तो ये तो हो नहीं सकता, फिर 41 - 41 आ रहा है, यहाँ से भी करेंगे तो 1 आएगा, तो ये एक आ रहा है इसमें देखते हैं तो देखिए ये तो ठीक है 1 आ रहा है, बट यहाँ से -1 मिल जा रहा है, यहाँ से ऐड करेंगे तो अलग ही आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन एक ये भी हो सकता है कि अगर आप वो लॉजिक लगा रहे हैं तो भी आपको ऑप्शन नंबर बी ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, आई होप आप ही लोग बनाए होंगे इन्हें।